अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबाद टेन्स किचन। आज हम बनाएंगे इफ्तार के लिए पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी। तो आलू को छिलके ले ली मैं। अब एक बाउल में पानी डाल देंगे हम। अब आलू को ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से पूरे ग्रेट करके ले लेना, पतले पतले रहना आलू। ये देखिए इस तरह से रहना। और हमें आलूओं को कपड़े पे डाल के सुखा पोंछ लेंगे। ड्राई कर लेना हमें आलूओं को, पानी नहीं रहना इस पर। इस तरह से प्रेस करने से पानी निकल जाता है इसमें का। अब हम इसमें का बैटर मिक्स कर लेंगे। 3 स्पून मैदा ले लेंगे हम। अब हम 5 स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। पाँच स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अब हम नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 स्पून। काली मिर्च डाल देंगे 1/2 स्पून। चिल्ली फ्लेक्स डाल देंगे 1/2 स्पून। चिकन मसाला पाउडर डाल देंगे 1 स्पून। कलर डाल देंगे, फूड कलर रेड कलर है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो मत डालिए। अब हम इसमें अंडा फोड़ के डाल देंगे। दो अंडे ले ली मैं। अब ये बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मिला लेंगे। और थोड़ा पानी ऐड करके मिला लेंगे। रेडी हो गया बैटर। इस तरह से रहना इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। ये जो हम आलूओं को इसका पानी अच्छा सा निकाल लिए थे ना कपड़े में प्रेस करके, उसको हम एक स्लाइस पे कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे। इस तरह से दूसरे पे रख लेंगे, फोल्ड कर लेंगे हम अंदर की तरफ स्टिक्स में, चबा लेंगे इसमें इस तरह से। फिर से कॉर्नफ्लोर लगा लेंगे। जो कॉर्नफ्लोर लगाए हम उसको हम इस तरह से रख लेना दूसरी स्लाइस के ऊपर, फिर से ऐसा फोल्ड कर देंगे, फिर से स्टिक में लगा लेंगे। इस तरह से लगा रही है। ये देखिए इस तरह से रेडी करके रख लेंगे हम। पूरे स्टिक्स में इसी तरह से बना के रेडी करके रख लेना।
अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे डीप फ्राई के लिए। जब तक ये तेल गरम होता हम आटे में ये जो हम बना के रख लेते स्टिक्स में उसमें लगा लेंगे आटे को। अच्छा कोटिंग कर लेना, अगर आप स्पून से नहीं करना चाह रहे तो हाथ से भी कर ले सकते, बहुत जल्दी हो जाता हाथ से। बहुत थिक नहीं रहना, बहुत पतला नहीं रहना आटा इसका, इस तरह से रहना इसकी कंसिस्टेंसी। अच्छा कोटिंग कर लेंगे हम, कोटिंग करके तेल गरम होगा तेल में डाल देंगे हम स्टिक को। एक और डाल देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे हम पका लेंगे इसको। मीडियम फ्लेम पे पकाने से अच्छा अंदर तक पकते और क्रिस्पी भी होते। इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत अच्छे बनते हैं स्नैक्स, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इस तरह से उलट पलट करके तल लेंगे। रेडी हो गया है, इसको निकाल लेंगे हम। तेल को अच्छे से निथारते हुए ले लेंगे हम। इसको भी निकाल लेंगे हम। तो ये थी आज की रेसिपी पोटैटो स्टिक्स इफ्तार स्नैक रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखिए बहुत क्रिस्पी बनेगी, आप इसको मेयोनीज के साथ भी खा सकते हैं या फिर इसी तरह से खाली भी खाए तो बहुत अच्छे दिखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।